हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 कॉलोनिज्म एंड कंट्रीसाइड। टुडे वी डिस्कस अबाउट द राजमहल हिल। राजमहल हिल आई जस्ट वांट टू अबाउट द बुचनन आल्सो। बुचनन ही वाज द ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हेन ही विजिटेड ओवर देयर इन द राजमहल हिल, ही डिस्क्राइब इन द 19th century, ही डिस्क्राइब दैट हिल्स लुकड अनट्रेवलेबल, मतलब वी कांट ट्रेवल ओवर देयर बिकॉज राजमहल हिल वॉज वेरी डेंजर फॉर द ट्रेवलर्स, यू कैन सी। सो दैट वॉज डेंजरस रीजन वेयर लेस पीपल गो, बहुत कम लोग जो थे वहाँ जाते थे। अमंग देम पीपल वर अनविलिंग टू टॉक टू देम, क्योंकि जो राजमहल हिल के लोग थे वो अनविलिंग हुआ करते थे उन लोगों से बात करने के लिए। ही डिस्क्राइब दैट बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ एरिया विजिटेड नॉट वॉज फ्रेंडली, उन लोगों का जो बिहेवियर था दैट वॉज नॉट फ्रेंडली। जो राजमहल हिल में रहने वाले लोग थे ऑफन दे कॉल्ड पहाड़िया पीपल बोलते थे, या हिल फोक, या फॉरेस्ट ड्वेलर, या फिर जंगली भी बोल देते थे। जंगली मीन टू नॉट दैट मीन दे वर अनसिविलाइज, इट मीन दे सिविलाइज्ड, बट दे देयर लेवलीहुड डिपेंड अपॉन द विलेज, क्लियर। सो पीपल हु लिव्ड अराउंड राजमहल हिल वर नोन एज पहाड़ियाज, क्लियर। देयर सर्वाइव्ड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन, दे ऑलवेज यूज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। द पहाड़िया कलेक्टेड मऊआ फ्लार, दैट वॉज फ्लार, दे ऑलवेज कलेक्टेड मऊआ, दे ऑलवेज कलेक्टेड मऊआ, इट्स अ फ्लावर, इट्स काइंड ऑफ फूड फॉर द पहाड़िया पीपल। दे कलेक्टेड मऊआ फ्लावर फॉर फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अदर थिंग्स दे लाइक सिल्क कुकून, समटाइम दे ब्रिंग सिल्क ककून्स, मीन फॉर ट्रेड, यू कैन से दे कलेक्ट फ्रॉम देयर। एंड दे सेल वुड एंड वुड फॉर चारकोल एंड प्रोडक्शन ऑल्सो यूज कलेक्ट द सेम प्लेसेज, इज दैट क्लियर। सो लाइफ ऑफ पहाड़िया वॉज डिस्क्राइब इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू वर्क हंटर, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्क वॉर्म रियरर, एटसेट्रा। सो पहाड़िया क्लेम द होल रीजन एज देयर ऑन लैंड, दे ऑलवेज क्लेम दैट the whole hilly areas their own land, is that clear? They always claim that. So they oppose the entry of others, that's why they always oppose the entry of others. Their head was responsible to main unity of the group, inka jo head hua karta tha uski puri responsibility hoti thi, whatever dispute came over there they always set up, is that clear? Pahadiya regularly forayed the plains where settled एग्रीकल्चर लिफ्ट फॉर इट, मतलब दे ऑलवेज डिड रेड ओवर देयर। रेड मैंने छापा मारना होता बेटे, सच रेड्स वर मैनेज्ड द एंड कंडक्टेड बाय देम फॉर देयर सर्वाइवल, स्पेशली ड्यूरिंग द ईयर ऑफ स्कार्सिटी, जब भी कभी वहां पे कमी हो जाती थी किसी चीज की, एट दैट टाइम दे डिड रेड ऑन द विलेजेस। अगेन बेटा जी आई टेल यू इन हिंदी टू, कि जो पहाड़िया लोग हुआ करते थे, अदरवाइज उनका काम था हंटिंग करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, कई बार वो फ्लावर्स वगैरह कलेक्ट करके खा लेते थे, ट्रेड करते थे, पर विंटर सीजन में जब कभी इन चीज़ों की कमी हो जाती थी ड्यूरिंग द स्कार्सिटी, तो वो रेड मतलब छापा मार लेते थे विलेज के ऊपर, जो भी उनके पास प्रोडक्ट्स होता था, फूड होता था कलेक्ट किया, दे ऑलवेज कलेक्ट फ्रॉम देम, उनको हर्ट करते थे, उनको हार्म करते थे। सो दे डिड लाइक दैट, एट दैट टाइम ब्रिटिश पीपल थिंक अबाउट दैट कि ये लोग जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये लगता था कि फॉरेस्ट जो है वो यूजलेस प्लेसेस है, इसको क्लियर करके हमें यहाँ पे क्रॉप्स कर लेनी चाहिए। क्यों ये सोचते थे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर करनी चाहिए? बिकॉज दिस इज देयर इनकम सोर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, दिस इज देयर इनकम सोर्स, दैट्स वाई दे थिंक कि फॉरेस्ट जो है वो वेस्ट लैंड है। सो दे वॉन्ट फॉरेस्ट विल क्लियर एंड आफ्टर दैट कल्टिवेशन विल स्टार्ट ओवर देयर। लेकिन जो पहाड़िया पीपल थे दे डोंट लाइक प्लग, दे ऑलवेज डिड कल्टिवेशन विद हो, वो उसको टच करना भी पसंद नहीं करते थे। इस वजह से उनको था कि हम ये हमारा खुद का एरिया है, वी डोंट वॉन्ट टू क्लियर दैट। इवन किसी को परमिशन भी नहीं दी जाती थी। जो पहाड़िया पीपल चीफ थे दे ऑलवेज टेक सम मनी वेन एवर सम ट्रेडर्स वॉन्ट टू गो फ्रॉम देयर एट दैट टाइम, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, फॉर देयर प्रोटेक्शन। एंड आफ्टर दैट ब्रिटिश वॉन्ट टू मीट विद द चीफ्स पहाड़ियाज, दे थिंक दे विल मीट विद दैम एंड
दे यूनाइट विद देम बट दे डिनाई अबाउट दैट पर्सन थिंग्स. सो आफ्टर दैट दे थिंक कि किसी पर्सन को लाया जाए और इस फॉरेस्ट को क्लियर किया जाए. सो आफ्टर दैट दे कॉल संथाल पीपल हु केम फ्रॉम बंगाल. तो बाय जमींदार, जमींदारों से उन्होंने संथाल पीपल को वहाँ पे लाए. कहाँ? फुट हिल्स में, द फुट हिल ऑफ राजमहल, राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी उसकी फुट हिल में आकर इन लोगों को वहाँ पे सेटल्ड कर दिया संथाल पीपल को. अर्लियर अ फ्यू पीपल केम ओवर देयर, थोड़े से लोग आए. धीरे 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 उनको अनप्रोडक्टिव लैंड को उन्होंने प्रोडक्ट करना शुरू किया, फॉरेस्ट को क्लियर करके, बिकॉज दे लाइक प्लग, वो हल यूज़ करना, हल को हाथ लगाना, क्लियर करना पसंद करते थे. सो दैट्स वाई दे वॉन्ट टू सेटल ओवर देयर. एट दैट टाइम ब्रिटिश सेड दैट दिस इज़ योर लैंड्स. उन्होंने ये कह के उन लोगों को बुलाया कि वी विल गिव यू फ्री लैंड्स फॉर कल्टिवेशन, आपको फ्री ज़मीनें दे दी जाएंगी एंड यू हैव टू डू देयर कल्टिवेशन एंड ऑल. इज दैट क्लियर? सो दैट्स वाई दे लाइक इट एंड दे केम ओवर देयर एंड दे स्टार्टेड डीमार्क्ड दैट एरिया. जो फुट हिल का एरिया था उसको उन्होंने डीमार्क करना शुरू कर दिया, लाइक दीज आर द फुट हिल, यहाँ पे वो आए थे. उन्होंने ऐसे अपना एरिया को डीमार्क कर दिया कि दिस इज़ द संथालियन पीपल एरिया. तो उसको कहते थे डेमिनको. एक क्वेश्चन आता है वट इज़ कॉल्ड डेमिनको, तो वेयर द डीमार्क्ड एरिया दैट वॉज कॉल्ड डेमिनको. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स लाइक दिस दे डीमार्क दैट एरिया. सो जो राजमहल हिल के पहाड़िया पीपल थे दे वर वर्स अफेक्टेड ओवर देयर, बिकॉज पहले वो रेड मार दिया करते थे, नीचे आ जाते थे, कलेक्ट सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर, बट नाउ दे हैव टू गो इन द डीप हिल्स. सो दैट्स वाई दे वर एंग्री टू फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड आफ्टर दैट संथाल पीपल ऑल्सो डिड कल्टिवेशन, लॉट मैनी अनदर पीपल ऑल्सो केम ओवर देयर, बट लेटर वेन प्रोडक्शन विल स्टार्ट एट दैट टाइम जमींदार want to get revenue from that people, and after that they were also angry from the British government and Jamindars too. Is that clear? So almost this chapter is complete. One thing more, one question will more come ki why permanent settlement was not introduced beyond the Bengal. Bengal ke bahar permanent settlement introduced kyun nahi hui, uska kya karan tha? Because ye fix thi, revenue fix tha, to usme inhone kaha tha ki whatever happening over there we have to collect the revenue from to you people. तो पहले तो उन्होंने कहा आपकी फसल अच्छी हो ना हो वी हैव टू कलेक्ट द रेवेन्यू. लेटर ऑन जब उन लोगों ने अच्छी प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी, कि उन लोगों ने जमींदारों ने, बिकॉज जमींदारों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता था, जोतदारों को बेनिफिट होता था, तो वो मनी की हेल्प करते थे, आर्टिफिशियल इरीगेशन एंड ऑल थिंग्स की हेल्प करने लगे. सो दैट्स वाई प्रोडक्शन विल इंक्रीज. जब प्रोडक्शन इंक्रीज होनी शुरू होगी इन लोगों ने डिमांड बढ़ा दी. लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांड नहीं बढ़ा सकते थे, दे कांट रेज द डिमांड बिकॉज दे फिक्स द रेवेन्यू, दे फिक्स द अमाउंट ओवर देयर एट द टाइम. सो दैट्स वाई दे डोंट वॉन्ट, कांट गेट दैट. सो लेटर दे रियलाइज कि इन लोगों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. सो आफ्टर दैट इन्होंने नया जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन डेक्कन बॉम्बे, दैट वॉज रियतवारी सिस्टम. दिस क्वेश्चन विल कम इन पेपर एज ए MCQs. इज दैट क्लियर? रियतवारी सिस्टम, दिस वॉज फ्लैक्सीबल. ये जो सिस्टम था ये फ्लैक्सीबल था, क्योंकि इस सिस्टम को उन्होंने फ्लैक्सीबल कर दिया था कि अगर क्रॉप्स नहीं होगी हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्टिंग होएगी तो हम इसको डिक्रीज कर देंगे, अगर गुड होएगी फसल तो उसके लिए हम जो डिमांड है वो इंक्रीज कर देंगे. इज दैट क्लियर? वन मोर क्वेश्चन विल कम स्टूडेंट्स कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट थी इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस. ये याद रखना, इट विल कम इन MCQs टू. लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. Is that clear? So listen carefully all the videos and after that try to make the question answers too. Have a good day.